में आज से शुरू हुआ है परिवहन निगम। परिवहन निगम की बसों का संचालन शुरू हो गया है। अंतर जनपदीय बसों की शुरुआत की गई है। तो वहीं परिवहन निगम ने यात्रियों का स्वागत भी किया है। जैसे कि इतने दिनों से लॉकडाउन चल रहा था और अब आज से परिवहन निगम की बसों का संचालन शुरू हो गया है, तो परिवहन निगम ने यात्रियों का स्वागत भी किया। बसों को समय समय पर किया जाएगा सैनिटाइज, यानी कि हर एक चीज का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि किसी प्रकार से संक्रमण ना फैल पाए। जो भी निर्देश दिए गए हैं उनका सतर्कता से पालन यहां पर किया जाएगा। बसों को समय समय पर सैनिटाइज भी किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाएगा। आपको बता दें परिवहन निगम की बसों का संचालन आज से शुरू हो रहा है और इसी मौके पर परिवहन निगम ने यात्रियों का स्वागत भी किया, क्योंकि इतने दिनों से लॉकडाउन चल रहा था और आज से परिवहन निगम की बसों का संचालन शुरू हो गया। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर परिवहन निगम की बसों का संचालन शुरू हुआ है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं हर व्यक्ति मास्क भी यहां पर लगाया है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है और समय समय पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। तो वहीं बसों का भी सैनिटाइज किया जाएगा और हर व्यक्ति यहां पर मास्क लगाए दिख रहा है, यानी कि प्रशासन के साथ साथ जनता भी सबका सहयोग कर रही है। तो वहीं पे थर्मल स्क्रीनिंग भी यहां पर की जा रही है और हर एक चीज के का विशेष यहां पर ध्यान रखा जाएगा, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी प्रकार से संक्रमण ना फैल पाए, उन सभी का पालन यहां पर किया जा रहा है। बसों को भी सैनिटाइज समय समय पर किया जाएगा, तो वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है, हर व्यक्ति मास्क लगाए है, सफाई आप देख सकते हैं लगातार यहां पर सफाई भी हो रही है, सफाई का भी बेहद ख्याल रखा जा रहा है। आज से शुरू हुआ है बसों का संचालन और जिस तरीके से आज से बसों का संचालन शुरू हुआ है तो वहां पर हर एक चीज का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। आलमबाग बस टर्मिनल पर पहुंचे हैं यात्री और यात्री सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं, यानी कि प्रशासन के साथ साथ पब्लिक भी यहां पर सहयोग दे रही है कि किसी प्रकार से संक्रमण ना फैल पाए, क्योंकि इतने दिनों बाद लॉकडाउन में ढील मिली है। लॉकडाउन 5 यानी कि अनलॉक 1 का आज पहला दिन था और आज से ही बसों का संचालन शुरू हुआ और वहीं परिवहन निगम ने यात्रियों का भी स्वागत किया। तो हर एक चीज का विशेष ख्याल रखा जा रहा है, सफाई की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, हर व्यक्ति मास्क यहां पर लगाए हैं, बसों को सैनिटाइज किया जाएगा, किसी तरह की कोई लापरवाही यहां पर नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी लगातार यहां पर हर एक चीज का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, आज लॉकडाउन 5 का पहला दिन है, बसों का संचालन भी शुरू हो गया है, क्या कुछ है पूरी जानकारी आपसे जानना चाहूंगी। जी मैम, बात ये है आज ये शुरू हो गई है, बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में आज से फिर से परिवहन निगम द्वारा बसों का संचालन किया गया है और बात करें हम यहाँ पर आलमबाग बस टर्मिनल से जो यात्री हैं वही यहाँ से जा रहे हैं अपने गंतव्य तक। और आलमबाग बस टर्मिनल पर बात करें तो सोशल डिस्टेंस की तो यहाँ पर भी पूरी तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन है लेकिन वो देख रेख नहीं कर पा रहा है, बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण, जो कि काफी दिनों के बाद 2 महीने के बाद यहाँ पर आज से बसें शुरू कराई गई हैं अपने बस स्टैंड पे। जी सभी, जिस तरीके से इतने दिनों बाद फिर से परिवहन निगम की बसों का संचालन शुरू हुआ है तो क्या आपकी यात्रियों से बात हुई है, उनका क्या कुछ कहना है? जी यात्रियों में बहुत खुशी है, खुशी का माहौल है कि उनको काफी दिनों से यहाँ पे जो बाहर से आए हुए थे फंसे हुए मजदूर थे, जो काफी लोग अपने घर तक नहीं पहुंच पा रहे थे वो अपने घर तक पहुंच पाएंगे, लेकिन जो अभी शुरुआत हुई है वो सिर्फ अंतर जनपदीय शुरुआत हुई है, अभी बाकी बसों के शुरुआत होने में अभी टाइम है जो कि और जनपद तक जा सकेगी। मैम सभी, जैसे कि कहा जा रहा है कि समय समय पर बसों को भी सैनिटाइज किया जाएगा, तो अगर वहां पे बात की जाए व्यवस्थाओं की तो व्यवस्थाओं का क्या कुछ इंतजाम है, क्या कुछ चीजें की गई हैं? जी अभी यहाँ पर पूरी तरीके से आलमबाग बस टर्मिनल पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया है, बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है। मैं बता दूं अभी तक यहाँ पर 20 दिनों से जो आलमबाग बस टर्मिनल था ये क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ था 8 सुबह 6 बजे तक, लेकिन आज इसकी साफ सफाई की गई है, पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया है और हर बसों को सैनिटाइज करके तब उसमें यात्री बिठाए जा रहे हैं। सभी, इतने दिनों बाद लॉकडाउन खुला है, बसों का संचालन शुरू हुआ है, तो
काफी तादाद में यहाँ पर लोग भी मौजूद है, तो प्रशासन का क्या कहना है, किस तरीके से उनको परेशानी हो रही है लोगों को कंट्रोल करने में? जी, प्रशासन का ये कहना है कि काफी दिनों के बाद बस का संचालन शुरू हुआ है, इसी वजह से जो यात्री हैं वो एक साथ बस टर्मिनल पर आए हैं तो उनको तो काफी कुछ परेशानियां हो रही हैं हैंडल करने में इनको। लेकिन बात करें यहाँ पर प्रशासन की, तो है पुलिस के लोग मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर सोशल डिस्टेंस किस तरीके से कोई ख्याल नहीं रख पा रहे हैं वो लोग। जी सभी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। तो बसों का संचालन आज से शुरू हो गया है और जैसे ही यात्री बस स्टेशन पर पहुंचे वहां पर उनका स्वागत किया गया और थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जा रहा है, तो वहीं समय समय पर बसों को सैनिटाइज भी किया जाएगा, यानी हर एक चीज का पालन यहां पर किया जाएगा जो आदेश